इतिहास एक रोमांचक यात्रा है। यह यात्रा हमें समय और संसार के आर पार ले जाती है। आज हम जिस दुनिया में रहते हैं उसे ऐसा बनाने में हमसे पहले आए लोगों ने महत्वपूर्ण योगदान दिया है। उनके जीवन के सुख दुख, अपने युग की समस्याओं से जूझने की उनकी कोशिशें, उनकी खोजें और आविष्कार, इन्हीं के ताने बाने में मानव समाज बदला। लंबे अंतराल में धीमे धीमे होने वाले परिवर्तनों का असर इतिहास के झरोके से ही देखा जा सकता है। इतिहास पढ़कर ही हम समझ पाते हैं कि आधुनिक दुनिया अनेक सदियों से हो रहे बदलावों का परिणाम है। जो कविताएं इस श्रृंखला में हम सुनेंगे वे इतिहास की कुछ रोचक सच्चाइयों से हमें रूबरू कराएंगी। CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है ये श्रृंखला इतिहास एक कहानी। इस श्रृंखला में आइए आज सुनते हैं ये कविता। इतिहास, क्या सब कुछ जाता बीत? इतिहास यानी बीते समय का लेखा जोखा। पर क्या जो कुछ अतीत में घटित हुआ पूरी तरह समाप्त हो जाता है? शायद नहीं। यदि अतीत का घटा पूरी तरह समाप्त हो जाता तो आज अंडमान और निकोबार समूह में कुछ मानव प्रजातियां आदि मानव जैसा जीवन न बिता रही होती, ना ही होता पहिया और ना ही होती आग। निरंतरता और बदलाव वास्तव में साथ साथ चलते हैं। इस कविता में यही बताया गया है कि कैसे निरंतरता और बदलाव साथ साथ चलते हैं। कहते बीता युग बनी अतीत, पर क्या सब कुछ जाता बीत? कुछ बीता धूमिल हो जाता, लेकिन कुछ फिर भी रह जाता। समय का बर्तन कभी न रीता, बीता युग भी संग संग जीता। बीता युग कुछ बदल बदल कर, संग हमारे जो ना जीता, तो पहिया भी आज ना होता। बीता युग कुछ बदल बदल कर, संग हमारे जो ना जीता, तो पहिया भी आज न होता। और न होते खेत मकान, न ही होते खेत मकान, न ही होती आग। जो मानव ने खोजी थी उस अतीत में, ज्ञान जो खोजा था मानवों ने, ज्ञान जो खोजा था मानवों ने, और धरोहर अवशेषों में रह जाती है हमारे साथ। करना सीखें इससे प्रीत, कहते बीता युग बने अतीत, पर क्या सब कुछ जाता बीत? पर क्या सब कुछ जाता बीत? इतिहास, क्या सब कुछ जाता बीत? अभी आप सुन रहे थे ये कविता। विषय संयोजन, आलेख एवं वाचन डॉक्टर इंदु कुमार, कलाकार नीरज शर्मा, निर्माण सहयोग मयंक थपलियाल, निर्देशन एवं निर्माण वंदना अरिमर्दन, तथा प्रस्तुति
CIET NCERT नई दिल्ली।